आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा की अनिश्चितता के बीच विद्यार्थियों का तैयारी कर पाना संभव नहीं रह गया है। सभी हर कोई विद्यार्थी डिस्टर्ब हो गया है। विशेष रूप से जिनकी तैयारियां अच्छी थी वो ज़्यादा बाधित हुए हैं, क्योंकि अभी आयोग स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये सेल्फ अंडरस्टैंड की बात हो गई है कि ये भर्ती जो है वो जुलाई में होने की संभावना कितनी लग रही है आपको। फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि आरपीएससी ने जो एक दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए हैं टीएसपी एरिया के, इसको लेकर हमने एक दो दिन पहले वीडियो डाला था कि सीनियर ग्रेड सेकंड टीचर का जो स्पेशल एजुकेशन का एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो सिर्फ टीएसपी एरिया का है। तो टीएसपी एरिया वो जगह है जहां पर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं होता है, इसलिए इस भर्ती को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड को लेकर आप कंफ्यूजन में ना रहे, ये भर्ती होने की संभावना अब नहीं के बराबर रह गई है जुलाई में। विशेष रूप से अब आप जो तैयारी कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सरकार पर दबाव बनाएं, अपने स्तर पर प्रयास करें कि ये जो भर्ती अगर स्थगित होती है तो ये कम से कम समय में आपकी भर्ती जो है वो दोबारा स्टार्ट हो, इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी करें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा इस ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वेबसाइट पर से इसके कांटेक्ट नंबर, अगर आप अपने स्तर पर प्रयास करना चाहें कि हम कहाँ इस भर्ती को लेकर जो है वो जानकारी जुटाएं, तो यहाँ पर कांटेक्ट अक्ष में आप जाएंगे तो यहाँ पर दो तीन नंबर आपको दिए हुए हैं, कुछ टोल फ्री नंबर भी हैं, और इसके अलावा दो हेल्पलाइन नंबर है फ़ोन और लैंडलाइन के। तो ये मैंने पिछले दो तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ये नंबर नहीं लग रहा है। तो कोई भी तरह की स्थिति के कन्फ्यूज़न के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्स वगैरह के नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी जो है अभी तक जयपुर में भी कोई भी अधिकारी ये स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि परीक्षा की वास्तविकता क्या है। लेकिन आप खुद समझदार है, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, जब बोर्ड की परीक्षाएं यानी कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं उसी मैटर को लेकर, आरक्षण मैटर को लेकर स्थगित हो चुकी हैं, तो निश्चित रूप से इन भर्तियों के साथ भी वही होने वाला है। अब आपको बार बार ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और प्रयास आप ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर सरकार के जो नुमाइंदे जनप्रतिनिधि हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट्स पर आप खुद जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो है उसका है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का एक ट्वीट यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें भी सब ये लिखा कि एमबीसी आरक्षण को लेकर बैठक हुई, इसमें 63,000 पदों के लिए जो भर्तियाँ होने वाली है उसको लेकर फैसला हुआ है। इसकी व्यापक डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ जो अगर आप अपडेट ऑथराइज अपडेट लेना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को। तो जैसे ही आप गोविंद सिंह जी डोटासरा, मैं स्वयं फॉलोअर हूँ इसलिए मैं पहले ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, डोटासरा जी का जो अधिकृत अकाउंट है वहाँ पर आप जाएंगे तो लगभग सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगी। डोटासरा जी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो लगातार देख सकते हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी यहाँ सबसे पहले अपडेट होती है, चाहे बोर्ड परीक्षा परिणाम हो या फिर शिक्षा नीति से संबंधित कुछ भी चीज़ें हो। इसके अलावा आप एक तरफ प्रयास ये भी कर सकते हैं कि आप उनके ट्वीट्स पर रीट्वीट करें या रिप्लाई करें कि ये परीक्षाएं जो है वो यथासंभव जल्दी संपन्न हो, क्योंकि अब परीक्षा स्थगित होना लगभग तय है। तो अब आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये परीक्षाएं यथासंभव 1 या 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर ये परीक्षा प्रक्रिया संपन्न हो जाए, ये लंबी रेस जो आपकी पिछले 2-3 सालों से चल रही है वो समाप्त हो। तो इसे लेकर आप मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कीजिए। शेष कोई अन्य खबर जैसे ही प्राप्त होगी आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और दोस्तों के साथ ये खबर शेयर करें जिससे कि कन्फ्यूज़न जो है वो आपका कम हो सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कृपया अपनी स्टडीज जारी रखें, किसी भी तरह से मुझे जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादा लंबे समय के लिए परीक्षाएँ स्थगित नहीं होने वाली हैं। जय हिंद।